आ चुका है। देख सकते हैं दोस्तों, इतना सारा पेमेंट आया है कि एक हाथ से ना ये पैसा पकड़ा नहीं जा रहा है। रात का समय था 10 बजे, मैंने बहुत ज़्यादा रो रो करके, उस समय बुरा हाल था मेरा कि मैं क्या करूँ, मैं सिर्फ एक अपना सहारा चुना था। तो हेलो दोस्तों, सबों को मेरे तरफ से झारखंडी जोहार और जय यस्सु। सो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। फिलहाल दोस्तों, मैं भी भगवान की दुआ से ठीक ठाक हूं। तो दोस्तों, आज का दिन ना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास दिन है। और खास दिन क्या है, सारा कुछ आज की इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोग लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, फाइनली मेरा मेहनत और आप सबों का प्यार आज रंग लाया है। और देख सकते हैं दोस्तों, YouTube का मेरा सेकेंड पेमेंट आ चुका है। देख सकते हैं दोस्तों, इतना सारा पेमेंट आया है कि एक हाथ से ना ये पैसा पकड़ा नहीं जा रहा है। और ये सारा पैसा मैंने कितना दिन में रिसीव किया, कैसे कैसे रिसीव किया, क्या क्या मुझे तकलीफियाँ झेलनी पड़ी, सारा कुछ आज की इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोग शुरू से लास्ट तक आज की इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, इस चैनल को मैंने क्रिएट किया था 2021 में। इससे पहले मैंने कई मल्टीपल चैनल में काम कर चुका हूँ, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। और उस टाइम मुझे उतना ज़्यादा ये सब के बारे में, यूट्यूब सब के बारे में अच्छा से नॉलेज नहीं था। मुझे इतना तक पता था कि यूट्यूब से पैसा आता है, लेकिन कैसे आता है, कब कब आता है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर फॉलो करना पड़ता है, ये सब के बारे में मुझे नहीं पता था। बस मुझे ये पता था कि YouTube से पैसा मिलता है। तो बहुत सारा चैनल पर मैंने काम कर चुका, लेकिन वहाँ पर रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से 2021 में लॉकडाउन के बाद में, लॉकडाउन ही था उस टाइम भी, तो मैंने सोचा था कि मुझे कोई दूसरा चैनल बनाना चाहिए। तो मैं दूसरा चैनल बनाया और इसी चैनल सिंडगा ब्लॉग यूट्यूब चैनल, इसको मैंने कई नाम दिया था, बहुत सारा नाम दिया था। लेकिन बाद में मुझे ख्याल आया कि हमारे ज़िला में अगर एक ज़िला का ही नाम रखना चाहिए, जिसमें अगर कोई भी अगर सिंडगा का नाम से सर्च करे तो मेरा ही सबसे पहले वीडियो आ जाएगा, ये सोच करके मैंने सिंडगा ब्लॉग चैनल का नाम रखा था। तो दोस्तों, जब मैं यहाँ पर काम किया एक साल होते होते मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। मोनेटाइज होने के बाद में, ठीक एक साल के बाद में मेरा पेमेंट आने वाला था, यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट। तो उस टाइम मुझे बैंक अकाउंट की ज़रूरत थी। तो उस टाइम मेरे पास दो बैंक अकाउंट था, एक बैंक ऑफ इंडिया का और एक फिनो बैंक का था। वो तो एक छोटा सा प्राइवेट बैंक का है, इसलिए यूट्यूब वो सब एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो नहीं डाला। तो सबसे पहले मैं डाला था अपना यूट्यूब पर, सॉरी गूगल एडसेंस पर, बैंक ऑफ इंडिया का। लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा कुछ इशू बताया मेरा, तो मैं सोचा कि किसका डालूँ, मेरा पापा का डालूँ या किसी और का। तो सोचते सोचते मेरा पिताजी का भी बैंक ऑफ बड़ौदा का था, लेकिन वो लोन वाला बैंक था, तो मैं वो नहीं डाल सकता। इसके लिए मैं एक अपना पर्सनल आदमी का मैं उस टाइम थोड़ा सा सहारा लिया। तो उसने हाँ तो कर दिया कि ठीक है, ले जाओ मेरा बैंक अकाउंट और जो कर रहे हो ठीक है, अच्छा कर रहे हो। उसने मुझे ये ऐसा सलाह दिया, तो मैंने उनका डाल दिया। हालांकि मैंने उसका बैंक अकाउंट मैंने ही खुलवाया था, लेकिन जब मैं बैंक अकाउंट डाला, ठीक 2 हफ्ता के बाद में उनसे मेरा कॉन्टेक्ट बंद हो गया, बातचीत करना बंद हो गया। फिर पेमेंट का दिन आ गया, पेमेंट यूट्यूब की तरफ से सेंड कर दिया, मेरे पास चेक योर रिसेंट पेमेंट का मेल भी आ गया। मैं चेक किया तो आ गया पैसा आ गया। तो मैंने उनसे कितनी बार मैंने कोशिश किया बात करने का, लेकिन उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। उस टाइम दोस्तों मुझे बहुत ही ज़्यादा अपने आप में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मैंने क्या दूसरों का बैंक अकाउंट यूट्यूब पर डाल दिया हूँ। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम दोनों ने मतलब खुशी से, दोनों के सलाह से ही मैंने उनका बैंक अकाउंट डाला था। तो जब बंद हो गया उनसे मेरा कॉन्टेक्ट, बात वगैरह करना, तो अब पैसा तो भेज दिया है, बात नहीं हो रहा है, तो मुझे ऐसे लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर 1 महीना होते होते दोस्तों उसके बैंक अकाउंट में पैसा ना जाते हुए वापस चला गया, पैसा यूट्यूब में फिर से रिटर्न आ गया। तो मुझे देख करके बहुत ज़्यादा खुशी लगा, क्योंकि दोस्तों उनसे मेरा कोई बातचीत हो नहीं रहा था। तो
फिर से मैं कोशिश किया अपना ही बैंक अकाउंट डालने का। और उस टाइम बैंक अकाउंट डालने से पहले मैंने बहुत ही ज़्यादा रोया था उस दिन। आज भी उस दिन का याद मुझे बहुत आता है। 14 अगस्त था, रात का समय था 10 बजे। मैंने बहुत ही ज़्यादा रो रो करके उस समय बुरा हाल था मेरा कि मैं क्या करूँ। मैं सिर्फ एक अपना सहारा चुना था यूट्यूब को ही, कि मुझे यूट्यूब पर ही अच्छा काम करना है और वहाँ से अच्छा एक मुकाम हासिल करना था। और भगवान से मैंने बहुत ज़्यादा प्रार्थना किया उस समय 10 बजे, रात के 10 बजे थे। और प्रार्थना करने के बाद दोस्तों मैंने वहाँ पर डाल दिया अपना बैंक अकाउंट। ठीक 2 दिन के बाद में मैं देख रहा हूँ तो मैं एक भाई था, मैं ये सिंगरा पर ही एडिशन मीज करके, तो वहाँ पर मैंने उनके पास मैंने कॉल किया कि जा कर के देखो कि यूट्यूब को ये मेरा पेमेंट आने वाला था आया कि नहीं। तो उस भाई ने गया था, उसके बाद में मैं फ़ोन लगाया कि जैसे फ़ोन लगाया था तो कि उसने बोल रहा है कि आपका मेहनत रंग लाया है। तो दोस्तों उस समय ना मेरे पास में इतना ज़्यादा खुशी आया ना कि मैं एकदम खुशी से चिल्ला उठा कि आज मेरा लक्ष्य पूरा हुआ, कि मैं जिसके लिए रोया था आज वो दिन पूरा हो गया। दोस्तों ठीक 1 साल पहले मेरा YouTube का फर्स्ट पेमेंट आया था और आज का दिन ये है कि सेकेंड पेमेंट आया है। दोस्तों जिन लोगों ने मेरे बैंक अकाउंट का जो थोड़ा सा प्रॉब्लम किया था, भले मैं उनका नाम तो नहीं ले रहा हूँ और नाम लेना उचित नहीं है यूट्यूब पर, ठीक है, किसी का बारे में सबका अपना अपना पर्सनल लाइफ होता है, किसी को अपना इज्जत से नहीं खेलना चाहिए। लेकिन जब आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरा वीडियो देखेंगे, अगर आप देख रहे हैं ना तो आप जो भी किए थे मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किए थे। एक बार अपना अगर थोड़ा सा भी मेरा याद आए ना तो अपने खुला मन से जरूर सोच लेना कि परवीन भाई के साथ में मैंने क्या क्या दुर्व्यवहार किया था। वही चीज को लेते हुए मैंने थोड़ा सा मैं अपना अपशब्द प्रयोग, मैंने अपना जुबान से थोड़ा बहुत टूटा फूटा बात मैंने बोल दिया था उनको जो मुझे नहीं बोलना था। लेकिन दोस्तों इस वक्त मैं क्या कर सकता, मजबूरी ऐसा आ गया था कि मुझे बोलने का मजबूर हो गया मैं, और थोड़ा बहुत कुछ मैंने बोल दिया था। लेकिन जब ये सब मैटर था ना, कुछ उनके थ्रू से था, मेरे तरफ से नहीं था। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि हमारा जो मैटर था कुछ भी वो आपकी तरफ से था। मैं हालांकि एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने गलत शब्द का प्रयोग किया था, और गलत शब्द प्रयोग कब किया था, जब आपने इस दिन दिखाया था, यहाँ तक कि मुझे थाना पुलिस तक पहुँचाया गया था। दोस्तों उस समय मैं बस रो रो कर बुरा हाल था कि मैंने किस फंदा में फंस चुका हूँ। मेरे पास बहुत सारा ऑडियो वीडियो था, मुझे धमकियाँ मिल रहा था कि वीडियो हटाओ नहीं तो तुमको ऐसा किया जाएगा वैसा किया जाएगा, बहुत तरह तरह करके। मैंने जब थाना में गया था वहाँ पर पुलिस वाले ने मुझे धमकी दिया था, लेकिन मैंने वो सब सारा चीज़ मैंने बताया दोस्तों, लेकिन वो चीज़ वो लोग मेरा सपोर्ट पर नहीं थे। जिन लोगों ने मुझे इस तरह से वहाँ पर लेके गया था, मतलब वहाँ थाना पर बुलाया था, वो लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे पुलिस वालों को, और उनके साथ में बहुत सारा ऐसे अच्छे अच्छे लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, कि मेरा बात वहाँ पर कुछ भी नहीं चलता। खैर वो सब बात को छोड़ते हैं, आज का मेरे लिए खुशी का दिन है, आप सब मुझे इतना प्यार दिया, इतना ज़्यादा खुशी दिया कि मुझे आज सेकंड पेमेंट आ गया, और बहुत ज़्यादा खुशी लग रही है दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब मेरा जो 2 साल लगा सेकंड पेमेंट आने में, लेकिन अब 2 साल नहीं बल्कि 2 महीना लगेगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस छोटा सा वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, फिर मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में। सब हमको बाय बाय।